सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक। 20 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, कितना डेकोरेशन पे ध्यान दिया और कैसा कोई मेमोरी शेयर करना चाहिए तो उससे शुरुआत करेंगे। 20 साल यह सबसे पहले तो यही कहूंगा कि हर साल बप्पा जब आते हैं घर पे तो सबसे पहले वो दिन याद आता है जब पहली दफ़ा बप्पा को लेने गए थे। मुझे याद है बाइक थी मेरे पास और हम ढूंढ रहे थे कि बप्पा को लेकर आना है, क्या विधियां हैं, क्या किस तरीके से पूजा होती है, कुछ पता नहीं था। तो गूगल पे देख रहे थे, दोस्तों से फ़ोन करके पूछ रहे थे कि किस तरह से हो। और फिर आज का दिन है जब सब दोस्तों को हम लोग बोलते हैं कि घर पे बप्पा को लेके आए और यू नो किस तरह ज़िंदगी बदली है और हमारी मेरे दोस्तों की भी बदली जो जो घर पे बप्पा लेकर आए। तो मेरा बहुत एक अटूट विश्वास है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वो दिन होते हैं जो जिसका पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं और किस तरह बड़ी तेज़ी से बीत भी जाते हैं और फिर अगले साल का इंतज़ार होता है। तो इन 20 साल कब बीते मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे 20 साल हो गए हैं जब पहली दफ़ा पापा घर पे लेकर आए थे। डेकोरेशन के अलावा नेचर का भी बहुत ध्यान रखा गया है, पापा इतना इको फ्रेंडली है जी, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं और सोनाली मैम को कितना क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि पूरा उन्होंने ही डेकोरेशन की। या मैं हमेशा सोनाली को ये डिपार्टमेंट संभाल देता हूँ क्योंकि अभी वो मास्टरी हो चुकी है, उसकी लेजेंड बन चुकी है वो डेकोरेशन में और पापा चुनने में। तो इस बार गो ग्रीन का हमने थीम रखा था कि नेचुरल रखा जाए, प्योर रखा जाए, फ्लावर्स हो, ग्रीन ग्रीनरी हो। तो पापा भी आई थिंक वही चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया है हमारी, पूरा जो देश है वो गो ग्रीन पे विश्वास करें। एंड सोनाली ने वही जहन में रखकर डेकोरेशन को प्लान किया, पापा को चुना गया। जैसे वाइट है, प्योरिटी है, लंबोदर जिसको बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा येलो कलर भी रखा गया है। सो आई थिंक उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग है सोनाली की एंड शी हैज मास्टर्ड द डेकोरेशन नाउ। देखिए खास बात ये होती है कि आप सब लोग घर पे आ जाते हैं वरना नहीं आ पाएंगे हमारे हाथ में। बड़ा अच्छा लगता है, यू नो आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि आप सब लोगों से मुलाकात हो और यू नो आप सब भी यू नो इस परिवार का हिस्सा हैं। जिस तरह हम गणपति बप्पा का इंतज़ार करते हैं उस तरह आपका भी इंतज़ार करते हैं कि आपको भी ब्लेसिंग्स हो और आपके भी सब सपने पूरे हों। सो आई थिंक दैट मेक्स बप्पा वेरी स्पेशल। सुनो एक मिनट, 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे, आप खड़ी हो जाओ आराम से, फिर वापस से वो करते हैं। नहीं अभी ब्रेक हुआ है 5 सेकंड का। आज सर कितना वेट बढ़ने वाला है मिठाई खा करके सर? देखिए मैं सुबह चिंकी जरा प्लीज साइलेंस रखो प्लीज, सब लोग पीछे। सर कैसे था? तो यू नो बड़ा मैं सुबह ही वैसे जिम जाके आ चुका हूँ, मुझे पता है कि अभी बड़े कमाल के होममेड मोदक हैं और बेसन के लड्डू हैं जो मेरे फेवरेट रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से फिटनेस का जो मशाल संभाली हुई है उसका मैं अपना काम करके आ गया हूँ फिर से। और अभी मिठाइयाँ खाने का वक्त आ गया है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन दिनों में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि पापा की जब मिठाई खाएंगे तो आप और फिट ही होंगे, तो आपको कैलोरीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए इन दिनों में। थैंक यू सो मच, आप सबको भी और एक बार जोर से बोलना चाहिए। अच्छा क्या बात है, अभी तो इतना शुरू किया है, अभी तो एंट्री हुई है, सबसे क्लाइमेक्स शुरू हो रहा है। बड़ी सौम्यता रहती है आपके जब भी आते हैं, बड़े ही सरल भाव से आप सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं और श्रद्धा भाव लगता है पूरे यहाँ पे, एक बड़ी वार्मथ वाली फीलिंग आती है। दिस हैज टू डू समथिंग विद द डिवोशन, आई डोंट नो मे बी
एक मुझे याद है कि जब घर से हम लोग निकले थे इस शहर में करने के लिए, तो पेरेंट्स ने एक चीज़ ज़रूर हम लोगों को सिखाई थी कि यू नो, कोई भी शहर में चले जाओ, कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, लेकिन बदलाव नहीं आपके अंदर आना चाहिए, जो हमने कुछ आपको थोड़ा बहुत सिखाया है उसको हमेशा बरकरार रखें। तो शायद उनकी जो सिखाए हुए लेसन्स हैं वो आज भी हमें हमेशा आपके साथ जोड़े रखते हैं। बट आई ऑलवेज बिलीव कि ये आप लोगों का प्यार भी होता है जो विच मेक्स अस रिएक्ट लाइक दैट। और मैं हमेशा कहता आया हूँ और हमेशा मानता आया हूँ कि ये बप्पा को तो हम लोग सब घर पे लेकर ही आते हैं, बट आई थिंक बप्पा के कारण हम लोग आप लोगों से भी मिलते हैं, और आपकी जो अफेक्शन होती है वो पूरे साल हम लोगों के लिए रहती है। तो आई थिंक ये समय वो तब होता है जब हमें आपका ध्यान रखना चाहिए। आज ये कलर कोऑर्डिनेशन आपने सोचा, ऑफ ऑल द पीपल टुगेदर कलर ऑफ आउटफिट्स? ओह नो नो, दैट इज ऑलवेज इंसिडेंटल विद अस। मैंने भी एक्चुअली, मैं भी सरप्राइज था जब मैंने पहना, तो इसने ये पहना हुआ, मैंने बोला कि अचानक कैसे बन गया। आई मीन इंसिडेंटल। बट आई थिंक वो बाय चांस। कलर क्यों चूज किया इस बार? Generally ऐसे ही, I thought it was nice marsala color, is like a really nice। और इस बार जो सुमित ने भी शर्ट पहनी वो भी कुछ इसी कलर की फैमिली की है, तो हमने बोला कि क्यों ना पहले चुना जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत मस्त होनी चाहिए भाई। कोई मनोकामना? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि सेहत अच्छी रहे, खुश रहें सब लोग, और जो भी जिनके सपने हैं, चाहे कैमरे के आगे वालों के या कैमरे के पीछे वालों के, वो सब पूरे हों, और ऐसे ही जगमगाते रहो और हमेशा लाइमलाइट में रहो आप लोग भी सब, और भगवान ने हमेशा गाइड करके यहाँ तक पहुँचाया है, और ऐसे हमेशा गाइड करते रहें। जो हम डिज़र्व करते हैं वही हमें मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। बट वही कहूँगा कि जो मार्गदर्शक रहे हैं हमेशा, वो ऐसे ही हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैंने अभी एक फिल्म या अभी रिलीज हुई फिल्म कुरुक्षेत्र, जिसमें मैंने अर्जुन की भूमिका निभाई है, बड़ा अप्रिशिएट हुआ। बड़े सालों से सोचता था कि एक माइथोलॉजिकल फिल्म करनी चाहिए, एंड फाइनली इट हैपेंड। और पीवी संधू जी के ऊपर अब तैयारी है, पूरी वर्ल्ड चैंपियन बन गई है? बिल्कुल, आप बस तैयारी रखें, आप जब तक आप गणपति बप्पा से यू नो इस आशीर्वाद लेंगे, तब तक वापस आपको बुलावा आ जाएगा दोबारा मिलने के लिए। अक्षय जी हैं उसमें? अक्षय कुमार जी? नहीं नहीं सुमित, वो पता नहीं, लेकिन आप जरूर रहेंगे, ये मैं पक्का वादा करता हूँ। आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही आदर सम्मान के साथ आप सबका स्वागत करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्रेम है होता है आपके साथ में सोनू, और सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू यार। और गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, थैंक यू सो मच। उदय का क्या, सॉरी, पापा पहली दफा घर पर आए थे, और कैसे 20 साल बीते हैं खुद पता नहीं चलता, लेकिन पापा ने हमेशा गाइड किया है, खुद ही उन्होंने हमें बताया है किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और जाता हूँ काफ़ी बिंदाउस में, लोग जाते हैं, और तो इस बार भी जरूर जाऊँगा। आप लोग तो काफी एक्साइटेड, लेकिन बच्चे किस तरीके से एक्साइटेड है? स्वीट भी ऑफ कोर्स दिख रहा है कि काफी सारे मोदक और अच्छी खासी मिठाइयां, बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं इस पर को लेकर? बहुत एक्साइटेड है, कितनी मिठाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मुझे बेसन के लड्डू बड़े कमाल के लगते हैं, तो वो भी आज पढ़ा में जिन्हें तय करना है, और पता यहाँ तक लेकर आए हैं, आज भी लेके जाएंगे। तो हमेशा कहता हूँ सेहत सबकी अच्छी रखें, खुश मांगी आज तक हमेशा हमने हमेशा गाइड किया भगवान ने पापा ने, और हमेशा उनसे एक ही चीज़ बोली कि सही सेहत में सबको सबको खुश रखे, जमीन से जुड़ा रखे, और जो भी हम जिंदगी में डिजर्व करते हैं उसके लिए हमेशा। मैं हमेशा बहुत मानते रहते हैं, हमेशा भगवान को आशीर्वाद जाते हैं। वो जब आप जुड़े रहते हैं भगवान से, कहीं ना कहीं आप रियलिटी का सामना हमेशा करते हैं, हर रोज़ करते हैं, और खासकर हमारे फील्ड में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर कैमरा जो लाइट की चकाचौंध में कहीं ना कहीं आप रियल सभी को के सभी दर्शकों को गणपति बप्पा की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स विशेस, और दिल से बोलें गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा थोड़ा ऊपर मत हूँ। हाँ सर, अरे ना
सर।